हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को माइक्रम की जो बची हुई रस्सियाँ होती हैं उससे एक सुंदर सी बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगी। इसे आप कहीं पे भी वॉल पे या फिर अपनी किचन में भी यूज़ कर सकते हैंगे। ये जो बटरफ्लाई है, मैंने जो हम बड़े बड़ी चीज़ें बनाते हैं उससे जो बचती रस्सी है उससे बनाई है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बटरफ्लाई को बनाने के लिए हमें कौन सी रस्सी कितने सेंटीमीटर में जरूरत पड़ेगी। पहले जो हमें बटरफ्लाई बनाने के लिए इतनी भी रस्सी जरूरत पड़ेगी वो हम पहले जो हमारी जो बची बची रस्सी है उनको आपस में जॉइंट कर लेंगे लाइटर की मदद से। ये मैंने ये 5 रस्सियों का यूज़ किया है। इसमें जो एक रस्सी है इसमें जो एक रस्सी है वो 70 सेंटीमीटर की है और बाकी की जो 4 रस्सी है वो 100 सेंटीमीटर की है। अब पहले हम एक ग्रीन कलर का मोती लेंगे, जो 70 सेंटीमीटर की रस्सी है उसमें डालकर एक नॉट लगा लेंगे। उसको हम पिन की मदद से अटैच कर लेंगे जैसे कि इधर से उधर ही लेना। उसके बाद जो हमारे 100 सेंटीमीटर की जो हमारी 4 रस्सियाँ उनको एक एक करके लेंगे, इस डबल वाले धागे पर ही एक बार पहले रैप करेंगे फिर एक और बार रैप करेंगे। इस तरीके से हमने पहली रस्सी जॉइंट कर ली है। अब हम इसी तरीके से बाकी की जो 3 हमारी कॉट है उसको भी इसमें जॉइंट कर लेंगे। मैंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से मैंने ये चारों धागे जॉइंट कर लिया और फिर अच्छे से खींच लेंगे जिससे कि टाइटली हमारी ये रहे। उसके बाद नीचे के 2 धागे लेंगे, पहला धागा पकड़ेंगे और उसके जो हमारा दूसरा धागा उसको नीचे की साइड से रख कर पहले 2 बार नॉर्मल सिंपल रैप करेंगे, फिर एक बार ऊपर के साइड से रैप करेंगे और एक बार नीचे के साइड धागा करके रैप करेंगे। एक बार ऊपर की साइड से रैप करेंगे और एक बार नीचे की साइड से रख के रैप करेंगे। इस तरीके से ये हम 7 बार रैपिंग करेंगे। हमारी 7 बार रैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसको हम घुमा के जो ऊपर की साइड हमारा धागा है उस पर उसको इस वाले धागे के ऊपर रैपिंग करेंगे। एक बार पहले करेंगे और फिर 2 बार रैप करेंगे। यहाँ पे इसको टाइटली खींच के रैप करना है। अगर हम ढीला रैप करेंगे तो ये हमारा डिजाइन सही से बन के सामने नहीं आएगा। अब मैं इस धागे के साथ पहले पिन से अटैच कर दूँगी और उसके बाद खींच के रैप कर दूँगी जिससे कि हमारा टाइटली यहाँ पर जुड़ जाएगा। पहले एक धागे की हम रैपिंग कर लेंगे। उसके बाद एक और जो धागा है हम उसकी भी इसके ऊपर रैपिंग कर लेंगे। फिर धागे को अच्छे से खींच लेंगे सारे धागों को जिससे कि अगर खींचने से हमारा जो डिजाइन है जो हमारा सही से बन जाता है। अब जैसे ही हमने एक साइड बनाया है सेम हम दूसरी साइड भी दोनों धागों को लेकर जितना एक साइड मैंने डिजाइन आप लोगों को बनाना सिखाया है सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी उतना ही डिजाइन बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों साइड सेम डिजाइन बना लिया है। उसके बाद अब हमारे पास
चार धागे हैं, जो हमारा पहला धागा है उसको नीचे की साइड रखा है, उसके बाद दूसरे धागे पे हम उसे रैप कर रहे हैं। एक बार रैप किया, एक और बार रैप किया। अब इस धागे को हम बाहर की साइड लेंगे, एक बार ऊपर की साइड से रख के रैप करेंगे, एक बार नीचे की साइड से करके रैप करेंगे, और एक बार ऊपर की साइड से रैप करेंगे, एक बार नीचे की साइड से रैप करेंगे, और इस तरीके से ये हम 7 बार करेंगे रैपिंग। सेवन बार ऊपर बार रैपिंग करने के बाद नीचे का जो हमारा धागा है उसको लेंगे, एक धागा लेंगे, उसके बाद दूसरे धागे की जिस तरीके से हमने ऊपर रैपिंग करी, एक बार ऊपर की साइड धागा रख के एक बार नीचे की साइड धागा रख कर, उसी तरीके से यहाँ पे जो हम रैपिंग करेंगे, पर यहाँ पे हम 5 टाइम रैपिंग करेंगे। यहाँ पे जो रैपिंग करेंगे, एक बार ऊपर की साइड से रैपिंग करके, एक बार नीचे की साइड से रैपिंग करके, ये हम खाली 5 टाइम करेंगे। जब हम 5 टाइम बार रैपिंग कर लेंगे, जो ऊपर वाला धागा है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे वाले धागे को से उसके ऊपर हम रैपिंग करेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैं रैपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे टाइटली खींच के रैपिंग कर लेंगे, जिससे कि ये हमारा बटरफ्लाई का दूसरा पंख बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बटरफ्लाई का पंख बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड धागा भी रैप कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सेकंड धागा रैप नहीं करना है, उसको फिर मैंने खोल दिया है, क्योंकि उससे हमारा डिज़ाइन बिगड़ रहा था, हमारे को वो अच्छी बटरफ्लाई का शेप जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था, इस बार फिर मैंने वो धागा खोल दिया है। और इसी तरीके 4 धागे से हम सेम दूसरी साइड भी डिजाइन बना लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड सेम बना लिया है डिजाइन। अब जो हमारे धागे बचे हुए हैं उनको हम कैंची की मदद से काट देंगे। सारे धागों को नहीं काटना, बीच के जो दो धागे पूछ के है वो है उसको नहीं काटना, जो हमारे और धागे हैं उनको कैंची की मदद से अच्छे से काट के लाइटर की मदद से पीछे की साइड अच्छे से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं, अब जो नीचे दो धागे बचे हुए हैं उससे हम एक लूप बनाएंगे गोल वाला, और एक उसमें धागा डाल के एक साइड से निकालेंगे, फिर दोबारा दूसरी साइड से डाल के निकालेंगे, एक बार फिर दोबारा इस साइड डालेंगे, एक बार लेफ्ट साइड डालेंगे धागे का, एक बार राइट साइड धागा डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, उस तरीके से हम 3-4 बार करेंगे, और फिर धागे को इसी के अंदर डालकर हम खींच लेंगे। इस तरीके से ये हमारा एक डिजाइन बन जाएगा। ये डिजाइन जो है बहुत ही सुंदर लगता है, और ये डिजाइन हम फिर दोनों में बना लेंगे, एक में थोड़ा छोटा रखेंगे, एक में थोड़ा बड़ा रखेंगे। और जो बाकी नीचे का धागा बचेगा उसे हम कैंची की मदद से काट देंगे, और लाइटर की मदद से वहीं पे हम जला देंगे। और इस तरीके से हमारा डिजाइन बन जाएगा, हम दोनों में सेम डिजाइन बना लेंगे, और हमारी बटरफ्लाई भी पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, नई नई चीज़ें बहुत सारी अपने चैनल पर अपलोड भी की हुई है मैंने वीडियोस, आप वो भी जाके देख सकते आएंगे। मेरे पास इस टाइम पे बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हैं जो मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू।